the english session because i am hosting there also yeah yeah right right okay. thank that's you that's only at 730 so you can attend both of this in and yeah, yeah yeah yeah, yeah. yeah that's right. wo to 730 wa uska dry run ek bar coordinate mohit aur trusha when they are doing it on 720 or 750 sure 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 okay all right thanks all right okay all the best guys yeah sure. thank you thank you, thank you. सो so, नमस्कार सभी को अ वेरी वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस मॉर्निंग न्यूट्रिशन के सत्र में और मुझे ये पूरा यकीन है मुझे ये पूरा दावा है कि आप सब लोग आप पूरी तरह से गेरअप हो चुके हैं तैयार हो चुके हैं अपने मॉर्निंग न्यूट्रिशन के कॉन्सेप्ट को हर एक उस व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है और जो कि आपके लिए ये जरूरी है कि वो व्यक्ति सेहतमंद रहे आज अगर हम देखें तो मॉर्निंग न्यूट्रिशन का शुरू होते हुए इस इस पॉइंट को शुरू होते हुए 12 दिन हो गए हैं और आप 12 दिन के अंदर मुझे ये पूरा भरोसा है कि आप बहुत सारी डिटेल्स को समझ चुके होंगे जान चुके होंगे और अभी तक धीरे धीरे आपकी क्रियोसिटी आपकी नॉलेज और आपकी अंडरस्टैंडिंग तीनों ये बढ़ चुकी होगी मैं आप सबसे जरूर आग्रह करूंगा कि ये कॉन्सेप्ट ये यकीन जान करके चलिए कि यह कॉन्सेप्ट दो या पांच या दस दिन या सिर्फ डेज का नहीं है यह फ्यूचर है और इसलिए मैं आप सब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको अपने मस्तिष्क में अपने माइंड में अपनी स्ट्रेटेजी का पार्ट बना के चलिए और हर एक उस व्यक्ति को इस कॉन्सेप्ट को जरूर उसमें शामिल करिए जो कि आपके लिए बिजनेस में इंपॉर्टेंट है और आपके लिए हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है जैसे मैंने आपसे कहा कि आज हम बारहवें दिन के अंदर हैं और आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जिसके बारे में हम बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले हैं आज के इस सत्र के अंदर वो होगा फाउंडेशनल मॉर्निंग न्यूट्रिशन बास्केट जो कि होलिस्टिक हेल्थ और वेलनेस के थ्रू हम आपको देने की कोशिश करेंगे लेकिन उससे पहले उस टॉपिक की चर्चा करने से पहले जैसा हम हर मॉर्निंग में आपके साथ एक ऐसे विशेष व्यक्ति को इनवाइट करते हैं जो कि अपनी नॉलेज और अपनी टिप्स के साथ आपके दिन को बनाने का काम करता है यकीन जानिए बहुत सारे लोग ये टिप्स लेकर के अपने बिजनेस को अपने मॉर्निंग न्यूट्रिशन के दायरे को बहुत बड़ा करने का काम करते हैं तो आइए इस मॉर्निंग न्यूट्रिशन की शुरुआत करते हैं आज ट्वेल्थ डे में और मैं इस मंच पर इनवाइट करना चाहूंगा डॉक्टर श्याम रामाकृष्ण को जो कि डायरेक्टर इमर्जिंग मार्केटिंग है तो ओवर टू डॉक्टर श्याम थैंक यू सचिन नमस्ते गुड मॉर्निंग सबको मेरे तरफ से कैसे आप uh, आज uh, आज हमारे हमारे सा, हमारे साथ है अपर्णा दामले जो हमारे वन ऑफ द मोस्ट सीनियर हमारे न्यूट्रिशन में और वो एक मजेदार लेक्चर देंगे आपको फाउंडेशन न्यूट्रिशन के बारे में और आपको पता है अपर्णा मास्टर्स किया हुआ है बायोकेमिस्ट्री में और बहुत साल से न्यूट्रिशन क्लिनिकल रिसर्च में उनका बहुत एक्सपीरियंस है और और बहुत जाने माने हैं हमारे कंपनी में सो so मैं बहुत खुश हूँ कि वो आज हमारे साथ हैं और हमें ये वंडरफुल लेक्चर देगी तो आ, लेकिन अपना आने से पहले आ, मुझे एक, एक सोच था क्योंकि मैं हर दिन मेरा प्रोटीन खाता हूँ और हर सुबह मेरा मेरा वो रिचुअल है प्रोटीन के साथ फाइबर और और ओमेगा और मेरा मल्टाई सो ये है मेरा रिचुअल तो अगर ये रिचुअल है तो मुझे मुझे पूछना था साइंस से कहा स्टडीज है जो हमें बताता है कि हमें हम जो मिड लाइफ में हैं उनके लिए ये बेहतर होगा तो कोई स्टडी से तो मैंने ये ढूंढा साइंटिफिक रिसर्च में राइट तो तो, या, तो आज मैं इस इम्पोर्टेंट चीज की बात बताऊंगा कि प्रोटीन का हमारा हेल्थ पे कितना बड़ा रोल है जब हम एज करते हैं राइट right? सबको पता है हम जवान हैं तो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन क्या इम्पैक्ट है जब हम एज करते हैं और मुझे ये भी पता है कि मुझे ये पता है कि अगर हम दो बहुत साल सिक्सटी प्लस सिक्सटी फाइव एज का ओवर होते हैं तो एज प्रोटीन का रिक्वायरमेंट बढ़ जाते हैं कम नहीं होते तो ये है मैंने सुना है साइंटिफिक लिटरेचर में लेकिन कभी मैंने स्टडीज नहीं देखा कि मिड एज में क्या होते हैं क्या प्रोटीन के रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाते हैं क्या प्रोटीन रिक्वायरमेंट में कुछ आ, कुछ आ, कुछ इंप्रूवमेंट्स होते हैं या प्लांट प्रोटीन के यूजफुल होते हैं तो ये ये बड़ी स्टडी से पता चला जो 48,000 ऑलमोस्ट 50,000 से ज्यादा फीमेल नर्सेस के साथ की गई थी फीमेल नर्सेस उन्हों नर्सेस क्यों लेते हैं क्योंकि उनको पता है कि वो बहुत डिलीजेंट है वो बहुत

हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं तो हमें पता है कि प्रोटीन इनटेक ओल्डर के लिए बहुत जरूरी है लेकिन कुछ है आ, आ, बताया कि स्टडीज कि लाइफ में प्रोटीन खाना हेल्थी आ, हेल्थी एजिंग कैसे असर करता है तो इस स्टडी का मेन गोल था फीमेल पार्टिसिपेंट्स जो नर्सेस के प्रोटीन इनटेक का लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखना एक एक स्टडी और जो फोर्टी एट थाउजेंड नर्सेस था उसका स्टडी का नाम था कि नर्सेस हेल्थ स्टडी तो ये नर्सेस हेल्थ स्टडी स्टडी यूके की है यूके यूएस है लेकिन ये फोर्टी एट थाउजेंड नर्सेस को फॉलो करते हैं तो इस इस स्टडी इस में जो फोर्टी एट थाउजेंड नर्सेस शामिल हुई थी हुई जो नाइनटीन एटी फोर में सिक्सटी साल सिक्सटी उम्र की से कम थी 1984-1984 में उनकी उम्र 60 साल से कम थी। उन्होंने टोटल प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन डेरी प्रोटीन जो एनिमल प्रोटीन के एक सबसेट होता है जैसे मिल्क प्रोटीन है वैसा और फिर प्लांट प्रोटीन को फ़ूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनर्स के थ्रू मेशर किया ये फ़ूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनर्स क्या होते हैं उन्हें पूछते हैं हर मुझे पता है मुझे लगता है हर हफ्ते या हर महीने पूछते हैं या आप आप बैरी लिख, लिख दो आ, क्या खाते हैं तो इससे उनको पूछा कि आप ये तैयार करो और हेल्थी एजिंग का मतलब क्या है हेल्थी मेजिंग का मतलब इन्होंने डिफाइन किया कि 11 मेजर क्रॉनिक डिसीज से फ्री होना तो 11 क्रॉनिक डिसीज से फ्री होना इसका मतलब है कि इनके क्रॉनिक नहीं होते हैं राइट right? तो और फिर उनको गुड मेंटल हेल्थ होना और उनका फिजिकल फंक्शन बड़ी शा, बड़ी अच्छा होना ये था उनका मेजरमेंट जो 2014 या 2016 के क्वेश्चन uh, में दिया गया था तो so, उनका ये है कि प्रोटीन का बेनिफिट uh, क्या है राइट right? जो इनके और उनको ये भी पूछना था कि मुझे सिर्फ हेल्थी पार्टिसिपेंट चाहिए में सिर्फ को सिलेक्ट किया क्योंकि जब उन्होंने पूछा आप हेल्थी है इस डिसीज कुछ नहीं है तो उन्होंने बोला हाँ कुछ नहीं है तो इन, इन, इनको उन्होंने सिलेक्ट किया तो थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड नर्स का हेल्थीर क्राइटेरिया में ओके okay था फिर फिर रिजल्ट एनालाइज किया तो उन्होंने क्या देखा उन्होंने देखा कि इन 3700 नर्सेस का हेल्थ में असर प्रोटीन का उन्होंने देखा कि अगर आप लोग टोटल प्रोटीन लेते हैं तो आपका चांसेस पांच प्रतिशत अच्छे होते हैं हेल्थी एजिंग के लिए कि अगर आप प्रोटीन लेते हैं तो जहां आपका एनर्जी इंक्रीमेंट होगा प्रोटीन से तो आपके से थे पांच प्रतिशत अगर आप एनिमल प्रोटीन लेते हैं तो आपका चांस होगा सात प्रतिशत ऊपर अगर आप डेरी प्रोटीन लेते हैं तो आप उसका ऑर्ड्स होगा उनका चांस होगा चौदह प्रतिशत ऊपर सोच लीजिए प्लान प्रोटीन का इंपैक्ट प्लांट प्रोटीन का इंपैक्ट है थर्टी एट परसेंट ऑलमोस्ट चालीस प्रतिशत होते कि आप रहेंगे सोच तो लीजिए ये है लाइफ इंपैक्ट प्रोटीन के और पर्टिकुलरली प्लांट प्रोटीन के तो प्लान प्रोटीन बहुत बेनिफिशियल था जो फ्यूअर बहुत कम फिजिकल फंक्शन लिमिटेशंस और बेटर मेंटल हेल्थ के साथ एसोसिएट था तो उनका, आ, इनका इनका हेल्थ भी अच्छे थे फिजिकली कुछ एनिमल या डायरी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स या फैट को प्लांट प्रोटीन से रिप्लेस करना सिग्निफिकेंटली हेल्थी एजिंग के चांसेस को इंप्रूव करता है सो uh, so, यही था इनका कंक्लूशन सो so, अगर मैं कंक्लूशन दूसरी तरफ से ले लो तो इस कंक्लूशन है कि डायटरी प्रोटीन इनटेक

हंड्रेड परसेंट माई वेजिटेरियन हो कभी कभार नो कुछ खाते हैं आ, अंडे खाते हैं तो लेकिन मैं तो फोर प्लान फोर्ड तो लेकिन ये प्लान प्रोटीन के इंपैक्ट देखो ठीक है यही तो मेरा सोच थीम चलिए मिलेंगे अब अपर्णा जी से अपर्णा स्टेज इस थैंक यू सो मच शाम आप सबको वेरी गट गुड मॉर्निंग आशा करती हूँ कि आज का सुबह आपके लिए एक मंगलमय है और पूरा दिन मंगलमय रहेगा और थैंक यू सो मच श्याम की आप हर रोज एक नया इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करते हैं हमारा जो न्यूट्रिशन पे जो हमारा आ, यकीन है वो और भी मजबूत होता जाता है कि कैसे एक प्लांट फॉरवर्ड रहने से हमारा जो सेहत है उस पर कितना गहरा असर होता है आ, इसी के साथ आज मैं शुरू करती हूँ आज का सत्र जो कि है फाउंडेशन न्यूट्रिशन के बारे में तो अब तक आपने पिछले 11 सत्रों में आपने बहुत कुछ जाना आपने ये जाना कि हेल्थ क्यों जरूरी है अभी क्यों जरूरी है कैसे हम अपना न्यूट्रिशन ले सकते हैं कब लेना चाहिए क्यों लेना चाहिए कैसे लेना चाहिए हम इन सब के बारे में हमने जाना हमने बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी जाना कि कैसे ये अलग अलग भूमिकाएं निभाती है आपके एक स्वस्थ होने में तो आज चलिए जानते हैं फाउंडेशनल मॉर्निंग न्यूट्रिशन बास्केट्स फॉर होलिस्टिक हेल्थ एंड वेलनेस ये है आज का टॉपिक जिसमें हम ये जानेंगे कि एक फाउंडेशनल पिलर जो है वो क्या क्या है जो हमारे जो मॉर्निंग न्यूट्रिशन को और भी स्ट्रोंग बनाता है हमें एक स्वास्थ्यपूर्ण जीवन प्रदान करता है इसके मूलभूत आधार स्तंभ क्या है इसके बारे में हम आज जानेंगे उससे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके हिसाब से एक संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए क्या फिलॉसफी है क्या होना चाहिए ऐसे कौन से मूलभूत तत्व है पिलर्स है आपके हिसाब से मैं आपसे जानना चाहती हूँ फटाफट अपने चैट में डालिए हमसे शेयर कीजिए क्योंकि अभी तक आपने बहुत कुछ जाना है और मैं मुझे बहुत ही यकीन है कि आप लोगों को इसके बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ ज्ञात है ये हमारे साथ शेयर कीजिए कि आपके हिसाब से एक स्वास्थ्यपूर्ण जीवन बिताने के लिए कौन से ऐसे मूलभूत मूलभूत आधार तत्व है स्तंभ है शाइन अमोल जी कहते हैं शाइन प्रोटीन संजय जी कहते हैं फोर पिलर्स हेमा जी कहती है अर्न बहुत अच्छा गोरख जी होलिस्टिक हेल्थ संतोष जी योगा दुर्गा जी शाइन आ, ऐसे बहुत लोग बोल रहे हैं सूर्यनारायण जी बोल रहे हैं बिल्कुल रीडर्स क्लब जी बोल रहे हैं शाइन फाइव पिलर बिल्कुल exactly आप बहुत अच्छी तरह से ऑलरेडी जानते हैं कि हमारा हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या है मूलभूत तत्व जो कि है अर्न जिसने भी ये सवाल का जवाब दिया है उनके लिए बहुत बहुत तालियां तो क्या है वो मूलभूत तत्व फाउंडेशनल पिलर्स एक तो है हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए क्योंकि हमने बहुत सारे सत्रों में ये जाना कि हमारा जो शरीर है वो मूवमेंट्स के लिए बना है चलने के लिए बना है एक जगह बैठने के लिए नहीं बना है तो इसीलिए जरूरी है कि हमारा हमारे शरीर को हम फिजिकल एक्टिविटी दें हमेशा उसे एक्टिव रखें जो हमें एक्सरसाइजेस की तरह मिलता है और ये किसी तरह से भी हो सकता है आप चल सकते हैं दौड़ सकते हैं साइकिलिंग कर सकते हैं या जिम जा सकते हैं जिससे भी आप अपना एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं वो जरूर अपनाएं दूसरा है पॉजिटिव एटीट्यूड ये बहुत बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड ना रखें हमारे शरीर को उसके बेनिफिट्स मिलते नहीं है हम चाहे तो अच्छा न्यूट्रिशन ले लें अच्छे से सो लें या अच्छा एक्सरसाइज करें जब तक हमारा जो माइंड है अगर हम उसको पॉजिटिव नहीं रखें तो इसका कोई हमें असर नहीं मिलता है तीसरा जो है आर रेस्ट कि हमें सफिशियंट सोना चाहिए काफी जितना हमारे शरीर के लिए जरूरी है सात से आठ घंटा रेस्टफुल स्लीप वो बहुत ही जरूरी है क्योंकि आपने ये जाना है कि कैसे रिपेयर होता है मरम्मत होती है हमारे शरीर की इसी वक्त रात के वक्त और चौथा और महत्वपूर्ण पिलर है एन न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन एक बहुत प्र, बहुत प्रमुख भूमिका निभाती है आपके अच्छे हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए अगर आपने सही तरीके का न्यूट्रिशन नहीं लिया वो बहुत सारे आपके डिजीजेस के कारण भी बन सकते हैं आगे जाके अगर वो अपने लगातार सही न्यूट्रिशन नहीं लिया तो तो इसके साथ है हमारा फिलॉसफी क्या है अन ई ए आर एन अन और ये है चार पिलर्स हमारे ऑप्टिमल हेल्थ के लिए अब चलिए जानते हैं न्यूट्रिशन फर्दर उसपे गोता लगाते हैं कि देखते हैं कि न्यूट्रिशन के जो फाउंडेशनल पिलर है उसके जो आधार स्तंभ है वो क्या है सबसे पहले आता है गट हेल्थ गट हेल्थ जो है अगर सही रहता है तो हम जो भी खाना खाते हैं वो सही तरीके से हमारे शरीर तक पहुंचता है हमारा शरीर उसका सेवन कर पाता है इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हम अपने गट को सही सलामत रखें उसका उसका ख्याल रखें और उसके लिए और उसमें जो बहुत सारे जो कीटाणु हैं जो अच्छे और बुरे कीटाणु हैं उसका जो एक बैलेंस बनाए रखना वो बहुत जरूरी है क्योंकि वो भी ऐसे बहुत सारे तत्व हमारे शरीर को प्रदान करते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बहुत सारी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती है और उसमें क्या हेल्पफुल है होल फूड्स लेना जैसे कि फल सब्जियां हो गई बहुत ही कम प्रोसेस्ड वाली फूड हो गई जो हमारे राइस है ब्राउन राइस फॉर एग्जांपल हम ले ना कि वाइट राइस है ना उसी तरह से हम काफी सारा मिलेट्स का इस्तेमाल करें जो सीरियल्स और पल्सेस है वो भी होल इस्तेमाल करें उसका प्रोसेस्ड फॉर्म ना इस्तेमाल करें क्योंकि उसमें जो फाइबर होता है वो हमारे गट के जो बैक्टीरिया है उसके लिए एक खाने का रूप है रहे? वो एक उसके लिए फूड है उसके लिए खाना है अगर हम अपने बैक्टीरिया को सही सलामत रखे खुश रखते हैं तो वो हमें खुश रखता है तीसरा जो महत्वपूर्ण भाग है वो है पिलर है वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स। ये भी आपने पिछले सत्रों में जाना कि कैसे प्रोटीन है या गुड फैट है जो ओमेगा है, एसेंशियल फैट है फाइबर है वाइटमिन एंड मिनरल्स है ये सारे कितने इंपॉर्टेंट है कितने जरूरी है हमारे शरीर की संरचना में और हमारे रोज के कार्य करने में इस ये बहुत प्रमुख भूमिका निभाती है और ये जो सारे तीन पिलर्स हैं, ये तीनों मिलके हमें एक ऑप्टिमल न्यूट्रिशन प्रदान करता है जो हमारे हेल्थ स्पैन को बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि हम अपने गट को प्रिपेयर कैसे करें ऐसा क्या क्या चीजें करें कि हमारा गट तंदुरुस्त रहे एक तो हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जो फल और सब्जी से भरा है हमने ये जाना कि कैसे हमारे प्लेट में 50 प्रतिशत तक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होना चाहिए वो चाहे तो किसी भी फॉर्म में हो सब्जी के फॉर्म में हो या सांबार के फॉर्म में हो या रॉ हो या आपने सिर्फ उसको थोड़ा सा ऑलिव ऑयल में डाल के सॉल्ट किया गया हो किसी भी या स्टीम किया गया हो किसी भी तरीके से आपको आपका फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इनटेक बढ़ाना है ज्यादा से ज्यादा प्रीबायोटिक्स प्री लें प्रीबायोटिक्स जो कि हमारे जो कीटाणुए हैं हमारे गट में उसके लिए खाना है जो फाइबर है वो प्रीबायोटिक्स है अगर हम होल फूड्स खाते हैं तो हमें ये प्रीबायोटिक्स मिल जाते हैं एक्सरसाइज करें अच्छे से पानी पिए क्योंकि पानी का भी आपने कल के सत्र में जाना कि हाइड्रेशन का कितना इम्पोर्टेंट रोल है हमारा शरीर सत्तर सत्तर प्रतिशत तक पानी से भरा हुआ है है ना तो इसीलिए जरूरी है कि हम अपने शरीर को पानी सफिशियंट मात्रा में प्रदान करें हमारे खाने को ठीक से खाएं खाने को पीना चाहिए और पानी को खाना चाहिए है ना ये एक भी आपको ध्यान में रखना है तभी जाके हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे शरीर में ठीक से अब्जोर्व कर पाते हैं स्ट्रेस को मिनिमल uh, बनाए रखें इसके लिए बहुत सारे हमने मेथड्स भी बताए हैं मेडिटेशन करें डीप ब्रीथिंग करें एक्सरसाइज करें या जो भी चीज आपको खुशी प्रदान करती है जो, जो आपको स्ट्रेस रिलीव करती है किसी को शायद पढ़ने की चेष्टा होती है या किसी को गाने की चेष्टा होती है आप उन सारे चीजों को करें जिससे आपको स्ट्रेस से रिलीफ मिले क्योंकि स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है हमारे गट हेल्थ पे भी यह आपने जाना कि कैसे हमारा जो मस्तिष्क और गट है एक दूसरे से बातें करती हैं एक दूसरे से कनेक्टेड है तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि हम स्ट्रेस को कम करें फाइबर रिच फूड लें जो मैंने बताया प्रीबायोटिक्स हमारे खाने में हमें सब ज्यादा से ज्यादा फाइबर की इंपॉर्टेंस बढ़ानी है ज्यादा से ज्यादा इनकॉर्पोरेट करना है और हमें ये नहीं मिलती प्रोसेस फूड खाने से अच्छे से सोए और आपने ये जाना कि कैसे हमारा जो शारीरिक घड़ी है वो उसको उसका हम पालन करें उसके हिसाब से चलें और उसके हिसाब से हमें सुबह का खाना सबसे पौष्टिक रखना है संपूर्ण रखना है एक फर्मेंटेड फूड हमारे हर रोज के खाने में जरूर रखें दही सबसे सिंपल दही दही का इस्तेमाल आप ज्यादा से ज्यादा करें हर रोज करें क्योंकि उसमें भी एक अच्छे कीटाणु होते हैं जो कि हमारे शरीर में पाए जाने वाले कीटाणुओं के दोस्त होते हैं आप न्यूट्रिएंट डेंस खाना खाएं कि, ना कि कैलोरी डेंस ये इसके बारे में भी आपने जाना आप प्लांट बेस्ड फूड खाएं जैसे आप डॉक्टर श्याम ने बोला कि कैसे प्लांट बेस्ड फूड रिसर्च भी हमें बताते हैं कितने सारे संशोधन हमें बताते हैं कि प्लांट बेस्ड फूड ज्यादा से ज्यादा खाने से हमारे शरीर को उससे फायदा मिलता है और सोने के दो घंटे पहले हम खाना खाएं ये सारी चीजें अगर आप कर लें तो आपका जो गट है सबसे खुश रहता है अगर आपका गट खुश है तो आप वो हमें हमारे पूरे शरीर को खुश रखता है सही सलामत रखता है और क्या ना करें ये जरूर याद रखिए कि जो भी सफेद है वो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है एक तो शुगर है सॉल्ट है और प्रोसेस्ड राइस है जो कि बहुत पॉलिश राइस है या मैदा है जो जंक फूड में भी पाया जाता है इन चीजों से आप दूर रहे या कम से कम मात्रा में उसका इस्तेमाल करें स्मोकिंग धूम्रपान या मध्यपान से दूर रहें इससे भी हमारे गट हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ता है स्पाइसी खाना कम खाएं क्योंकि इससे भी बहुत ज्यादा हम तीखा खाना खाते हैं तो भी हमारे गट के लिए ये सही नहीं है उसे भी लिमिट करना चाहिए हमारा जो कॉफी टी का इंटेक है जिससे हमें कैफीन मिलता है उससे भी हमें थोड़ा सा परहेज रखना चाहिए कम सबसे कम से कम मात्रा में लेना चाहिए अगर बिल्कुल ना ले तो भी अच्छा है हमारा गट उसे मिस नहीं करेगा आप और खुश रह सकते हैं प्रोसेस्ड फूड कम खाएं कैलोरी डेंस फूड खाए कम खाए, खाएं जैसे मैंने बताया एनिमल बेस्ड फूड को कम से कम रखें ये भी हमने ब्लू जोन अगर याद है आप लोगों को उस और डॉक्टर श्याम ने भी अभी अच्छा सा एक स्टडी के बारे में बताया इतने बड़े स्टडी के बारे में अगर ये चीजें आपको याद रहे तो आप उससे जान सकते हैं कि कैसे प्लांट फॉरवर्ड फूड अगर हमारे खाने में अः uh, से हंड्रेड मात्रा में भी प्लांट बेस्ड फूड है तो हमारे गट को वही पसंद है हम स्क्रीन के सामने खाना ना खाएं क्योंकि हम फिर माइंडफुल नहीं रहते हमें नहीं पता होता है कि हम खा क्या हैं डेरी फूड को थोड़ा सा कम करें या पूरा बंद कर दे तो भी अच्छा है लेकिन वो शायद मुश्किल है तो एटलीस्ट कम कर दें तो इन सारे चीजों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपका जो गट है वो एकदम तंदुरुस्त रहता है So, आगे बढ़ते हैं बाकी हमारे चार न्यूट्रिएंट्स के बारे में प्रोटीन फाइबर ओमेगा जो कि गुड फैट है फैट है और विटामिन एंड मिनरल्स ये चारों जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे शरीर के लिए कितने फायदेमंद है ये हमने कुछ पिछले सत्रों में भी जाना और हम आज जानेंगे कि कैसे इन चारों का एक साथ सेवन करने से हमारे शरीर को कितने अलग अलग तरीके से फायदे पहुंचाते हैं लेकिन इससे पहले कि पहले हम आपका एक मेमोरी रिफ्रेश कर लेते हैं हमने बहुत सारे आंकड़े बताए अब आप, आप, आपको पिछले सत्रों में इन सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में क्या भारतीय इन सारे न्यूट्रिएंट्स जो हमने गिनाए उसकी सही मात्रा में इस्तेमाल करते हैं क्या उनको सही अमाउंट मिल रहा है आपको क्या लगता है आपको क्या याद है इसके बारे में आप अपने चैट में डालिएगा कि आपको क्या याद है आपको लगता है कि भारतीय इन सारे न्यूट्रिएंट्स का काफी जितना हमारे शरीर को जरूरत है उतना मात्रा में खा रहे हैं आपको क्या लगता है नो no. एकता जी बोलती है नो मॉर्निंग न्यूट्रिशन प्रोग्राम नो बिबू सुंदर जी नो no. कपिल जी नो no. एब्सोल्युटली आप सब सही है हम हम जो भारतीय हैं हम जानते हैं और बहुत लोग हम सब जानते हैं लेकिन हमारे जो मित्र है हमारे जो भारतीय बाकी मित्र है वो नहीं जानते हैं बहुत लोग नहीं जानते हैं और ये फैक्ट्स आपको मैं एक बार फिर रिफ्रेश करा देती हूँ कि दस में से नौ जो भारतीय हैं वो ये जानते भी नहीं है कि उनका प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितना है दिन भर में कितना प्रोटीन लेना चाहिए पहली बात प्रोटीन जरूरी है यही बहुत लोग नहीं जानते हैं दूसरी बात कितना चाहिए ये भी बहुत लोग नहीं जानते हैं तो इसीलिए ये हमारा जो हमें जो एक टास्क मिला है हम खुद को चेंज करें पहले और अपने आसपास के लोगों को भी चेंज करें उस उनको इसके बारे में अवेयरनेस पैदा करें ग्लोबल सर्वे में आपने देखा फैट के प्रेजेंटेशन या सत्र में आपने देखा कि कैसे हमारा जो फैट का कंजम्पशन है वो बढ़ता जा रहा है अभी के लिए तो वो शायद जितना गाइडलाइंस है उसके हिसाब से तो खा रहे हैं लेकिन वो क्या सही वाला फैट खा रहे हैं अच्छा वाला फैट खा रहे हैं जो कि ओमेगा थ्री ईपीए डी से भरपूर है उस तरह का क्या फैट खा रहे हैं बिल्कुल नहीं हमारा जो उसका सेवन है वो बहुत बहुत कम है दस में से सात जो भारतीय हैं उनका जो डेली का फाइबर रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत कम है ये क्यों क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस फूड की तरह बढ़ रहे हैं एक जो हमारी जो भागदौड़ वाली जिंदगी है उसमें हमें टाइम बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं प्रोसेस फूड का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं रेडी टू ईट रेडी टू मेक ऐसे खाने ज्यादा खा रहे हैं जो कि बहुत हाई प्रोसेस्ड होते हैं उसमें बिल्कुल फाइबर नहीं होता है दस में से आठ जो भारतीय हैं वो माइक्रोन्यूट्रिय डिफिशियंट हैं आपने माल न्यूट्रिशन के बारे में तो सुना ही है लेकिन माइक्रोन्यूट्रिय डिफिशंसी जो है ये एक बहुत लोगों को समझ ही नहीं आता है उसका ज्ञात ही नहीं होता है जब तक कि वो किसी बीमारी में तब्दील ना हो जाए लेकिन उनके सिम्टम्स के बारे में भी आपने पिछले सत्रों में जाना कि कैसे आपके कुछ सिम्टम्स के द्वारा आप जान सकते हैं कि आपको माइक्रोन्यूट्रियन की कमी हो रही है तो इसीलिए आपको ये फाउंडेशन न्यूट्रियट्स की जो जो अवेयरनेस है वो बढ़ानी है इन सब के बारे में एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं कि ये ही क्यों फाउंडेशन न्यूट्रिय है हमारे शरीर के लिए सबसे पहले आते हैं प्रोटीन के साथ आपने ये जाना कि कैसे प्रोटीन हमारे शरीर में कितनी अलग अलग भूमिकाएं निभाती है आप चाहे कोई भी फंक्शन जान लो या सोच लो उसमें प्रोटीन जरूर होता है क्योंकि प्रोटीन हमारे ह, हम प्रोटीन से बने हुए हैं हमारे शरीर में पंद्रह से सोलह प्रतिशत जो है पानी के अलावा जो तीस प्रतिशत बचा होता है पानी सत्तर प्रतिशत है बाकी तीस प्रतिशत में से पंद्रह से सोलह प्रतिशत प्रोटीन से बना है तो आप समझ सकते हैं इसकी गहराई इसकी इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं कि कितनी सारी भूमिकाएं निभाती है हमारे मसल्स को बनाती है हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रांग बनाती है क्योंकि जो एंटीबॉडीज हैं जो बाहरी जो बुरे कीटाणु है उससे लड़ने के लिए हमारा जो डिफेंस सिस्टम है हमारा इम्यून सिस्टम है उस, उसके उसमें एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस होती है उसमें प्रोटीन ही होती है हमारे डाइजेशन को कैसे वो इम्प्रूव करता है क्योंकि हर ऑल एंजाइम्स जो सारे एंजाइम्स है जो पाचन में प्रमुख भूमिका निभाती है उसमें प्रोटीन वो सारे प्रोटीन से ही बने हैं हमारे जो फूड का जो ब्रेकडाउन है पचे की जो प्रक्रिया है, उसमें भी प्रोटीन की जरूरत है हमारे स्किन, नेल, हेयर है, के लिए भी ये सारे प्रोटीन से बने कोलाजिन जो हमारे स्किन और हेयर का एक मूलभूत अंग है वो प्रोटीन से बना है हम एक एनर्जी का सोर्स है हमारे हार्मोन्स को हमारे ब्रेन हमारे मस्तिष्क में जो न्यूरो है जो कि डोपोमाइन है सेरोटोनिन है ये सारी जो चीजें हैं वो प्रोटीन से बनी है और हमारे जो रोजमर्रा की मरम्मत है उसके लिए भी प्रोटीन की जरूरत है तो ये इससे आप जान सकते हैं कि प्रोटीन की कम की जरूरत कि कितनी ज्यादा है हमारे शरीर को दूसरा जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है वो की वो है ओमेगा थ्री जो कि एक एसेंशियल फैटी एसिड है जो हमें ईपीए और डीएचए के माध्यम से मिलता है ये क्यों जरूरी है ये भी आपने जाना कि हमारे ब्रेन में ब्रेन जो है सत्तर प्रतिशत लगभग फैट से बना हुआ है उसमें भी ईपीए और डीएचए का एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रमुख भूमिका है क्योंकि वो जो है इसका जो मूलभूत फंक्शन है वो क्या है कि वो हमारे शरीर में सूजन जो है जो इन्फ्लेमेशन जो बोलते हैं पूरे शरीर में वो अलग अलग कार्य करते वक्त ये इन्फ्लोमेशन हमारे शरीर में बढ़ने लगता है इसको ये कम करता है एंटी इंफ्लेमेटरी है ईपीए डीएचए और ये जो इन्फ्लेमेशन है वो बहुत सारे रोगों की जड़ है और अगर इसको अगर हम कम करें तो हमारा जो शरीर के जो अंग है वो अच्छे से काम करते हैं और उसके कारण वो वही चीज अगर मस्तिष्क के बारे में हम बोलें, तो ये हमारे मेमोरी को इंक्रीज करता है हमारे जो उसका जो कॉम्पोजिशन है हमारे जो ब्रेन का जो संरचना है उसमें ये बहुत प्रमुख भूमिका निभाता है अगर ब्रेन ठीक से काम करेगा तो हमारा मूड अच्छा रहता है हमारा गट अच्छा रहता है हमारा जो हार्ट है हृदय है उसमें भी डीपीए डीएचए का महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन को कम करता है कोलेस्ट्रॉल को नियमित करता है और कोलेस्ट्रॉल कम होने से बहुत सारे जो रोग हैं हार्ट के जो रोग है हृदय रोग है उसे उसका जो रिस्क है वो कम कर देता है जैसे मैंने बोला गट फंक्शन में बहुत प्रमुख भूमिका निभाता है घटाने के कारण और हमारे हमारे आई हेल्थ जो बहुत जरूरी है आंखें ही हमें दुनिया दिखाती है और इसीलिए इसको इसका प्रिजर्व आपको इसका सही ध्यान रखना है और इसका ध्यान कैसे रख सकते हैं आप अपने फूड में अधिक से अधिक ओमेगा थ्री का प्रयोग करें तो ये एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूं कि कैसे ओमेगा थ्री जो है हमारे हार्ट हेल्थ की रक्षा करता है ये एक बहुत सारे स्टडीज भी इसका प्रयोग करके देखा है कि कैसे हमारे शरीर में 25 से 30 प्रतिशत तक लिपिड्स को कम कर देता है नियमित रूप से ओमेगा थ्री का सेवन करने से क्योंकि आपने ये जाना कि एक बार खाने से काफी नहीं है हर रोज इसका सेवन करना है क्योंकि हमारे शरीर इसका इस्तेमाल करता रहता है तो इसीलिए आपको भी सप्लाई करते रहना है जैसे आप पेट्रोल भराते हैं कार में वैसे ही ओमेगा थ्री भी हमारे शरीर की को जरूरत है क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल कम करता है दूसरा इन्फ्लेमेशन कम करता है और ये दोनों चीजें जो है हमारे हार्ट को एकदम तंदुरुस्त रखता है तीसरा जो है वो है फाइबर फाइबर बहुत सारे काम करते हैं सबसे पहला तो ये चीज करता है कि ये हमारे जो कीटाणु है हमारे जो गट में जो अच्छे कीटाणु है ये उसके लिए एक फूड की तरह काम करता है अगर आप बोले कि ये तो बैड बैक्टीरिया के लिए भी फूड की तरह काम नहीं करता नहीं करता है ये सिर्फ गुड बैक्टीरिया के लिए फूड की तरह काम करता है यही इसका एक अच्छा गुण है और उसके कारण जो है आपके जो कीटाणु है खुश रहते हैं और ऐसे अच्छे अच्छे तत्व और अच्छे अच्छे मॉलिक्यूल्स हमारे शरीर को प्रदान करता है जिससे कि हमारा जो गट का जो लाइनिंग है जो उसका वॉल है उसको मजबूत रखता है जिसके कारण जो बुरे कीटाणु है वो हमारे शरीर के अंदर नहीं जाते हैं बुरे तत्व है वो हमारे शरीर के अंदर नहीं घुस पाते हैं लेकिन वो सिर्फ अच्छे जैसे एक सिक्योरिटी सिस्टम काम करता है सिर्फ अच्छे लोगों को जान पहचान के लोगों को ही अंदर अलाउ करता है बिल्कुल उसी तरह सिर्फ अच्छे न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्व करने में ये मदद करता है और जो इम्पोर्टेंट चीज आपको याद रखनी है ये आ, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखता है हमारे कुछ सत्रों में आपने ये सुना होगा कि कैसे हमारा जो इम्यून सेल्स है वो सत्तर प्रतिशत तक हमारे गट में होता है क्यों क्योंकि वही एक जरिया है जिससे सबसे ज्यादा जो है जो बुरे बैक्टीरिया है बुरी चीजें हैं वो हमारे शरीर में घुस सकते हैं और इसीलिए जैसे हमारे बॉर्डर्स में जिस जहां पे घुसपैठिया या आतंकवादी आने के चांसेस ज्यादा है वहां पे हमारे डिफेंस हमारा जो आर्मी है सबसे ज्यादा तैनात रहती है है ना बिल्कुल उसी तरह हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो भी हमारे सारे इम्यून सेल्स को वहां पर एकद्र एक, दर, ए, एक आ, एकाद्रित करता है या एक जगह उसका कंसंट्रेशन बढ़ा देता है जहां पे सबसे ज्यादा खतरा है उसके लिए तो हमारे इम्यून सिस्टम में भी ये भूमिका निभाती है क्योंकि हमारे जो गट बैक्टीरिया है वो हमारे इम्यून सेल्स को बताती है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है तो फाइबर जो है ये इसका एक फाउंडेशन है सही अपने फाउंडेशन दिया तो आपका जो गट बैरियर है जैसे मैंने बताया वो एकदम तंदुरुस्त रहता है बुरे चीजें अंदर नहीं जाती है हमारा गट जो बैलेंस रहता है जो अच्छे बुरे बैक्टीरिया दोनों की जरूरत है तो उन, उनका जो बैलेंस है वो बना रहता है और हमारा गट तंदुरुस्त रहता है चौथा चो, जो न्यूट्रियट बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है हमारा वाइटमिन्स एंड मिनरल्स इसके बारे में भी हमने डिटेल में जाना कि कैसे ये भी हमारे शरीर के हर एक अंग में हर एक काम में एक प्रमुख भूमिका निभाती है ये बिल्कुल उसी तरह काम करती है जैसे कि मान लीजिए आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए दस दिन लगेगा मान लीजिए आपको कन्याकुमारी से दिल्ली पहुंचने के लिए अगर आप पैदल चले तो आपको दस पंद्रह दिन लग जाएंगे या ज्यादा लगेंगे लेकिन वही अगर आप हवाई जहाज से जाएं तो आप एक दो घंटे में पहुंच जाएंगे ये बिल्कुल उसी तरह से काम करता है एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है कि आपके ये जो भी शरीर में जो काम हो रहे हैं उसका जो आ, स्पीड है वो बढ़ा देता है उसकी गति बढ़ा देता है जिसके कारण हमारे जो आ, शरीर में जो भी काम हो रहे हैं वो सही ढंग से हो पाते हैं उसके अलावा हमारे विजन हेल्थ के लिए हमारे इम्यून फंक्शन के लिए हमारे स्किन के लिए आप जो भी कह लें उसके लिए वाइटमिन्स और मिनरल्स दोनों बहुत जरूरी है चाहे तो ये कम मात्रा में ही जरूरी है लेकिन बहुत जरूरी है और इसे हम पा सकते हैं सबसे ज्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को के द्वारा इस इसे भी हम जानते हैं कि कैसे काम करता है जैसे मैंने बोला ये हमारे चय जो चयापचया की जो प्रक्रिया है उसका स्पीड बढ़ा देता है उसको होने में मदद करता है जिससे क्या होता है हमारे जो हर एक सेल है जो कोशिकाएं हैं उसको ये मजबूत करता है इसको एनर्जी प्रदान करता है जिसके कारण जो हमारी जो क्षमता है काम करने की क्षमता है वो बढ़ा देता है ये क्षमता ही नहीं ये इसका जो टाइम है उसको भी बढ़ा देता है हमें लंबे समय तक इस क्षमता को बनाए रखने में ये मदद करता है दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज ये करता है बहुत सारे फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में पैदा होते हैं जब बहुत सारे काम होते हैं तो फ्री रेडिकल्स भी क्रिएट होते हैं ये एक तरह से रस्टिंग जैसे जंग लग जाती है आप उस तरह से उसकी तरह कंपेयर कर सकते हैं कि अगर आपने एक एक मेटल एक का ठीक से आपने ध्यान नहीं रखा तो उसपे कैसे जंग लग जाता है बिल्कुल उसी तरह ये फ्री रेडिकल्स भी जंग लग जंग के बराबर है कि जो आपने आपकी जो कोशिकाएं हैं उसको ये खराब कर देती है उसके जो फंक्शन है उसको ये इन, उसके उस उसमें बाधा डालती है और उसके कारण क्या होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है आगे जाके बहुत ज्यादा रस्टिंग होने लगता है हमारे शरीर में और ये जो विटामिन एंड मिनरल्स है इस रस्ट को दूर करने में मदद करता है और ये दोनों चीजों की वजह से हमारे शरीर की जो आ, एनर्जी है वो बढ़ जाती है क्षमता है वो बढ़ जाती है अब चलिए जानते हैं इसका सही समय क्या है कब हमें ये सारी चीजें सबसे ज्यादा हमारे डाइट में जरूरी है इसे इस्तेमाल करना चाहिए ये भी आपने पिछले सारे सत्रों में जाना लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूं कि ये कब कब हमें लेना चाहिए सबसे ज्यादा फायदा ये हमें कब पहुंचाएगा आप क्या समझते हैं आप हमें जरूर बताइए हमें खुशी होगी कि हम जो भी आपको रोज हम हम आपके अप, अप, साथ ये जो नॉलेज शेयर कर पा रहे हैं उससे आपको कितना फायदा हो रहा है आपके ये आंसर से हमें बहुत ज्यादा उससे स्ट्रेंथ मिलता है कि हम जो भी बता रहे हैं कि आपको उससे फायदा हो रहा है बिल्कुल बिल्कुल कृणाल जी बोल रहे हैं मॉर्निंग आनंद फैमिली गुड मॉर्निंग लाल जी बोल रहे हैं मॉर्निंग बिल्कुल एकता जी बोल रही है मॉर्निंग धर्मपाल जी बोल रहे हैं मॉर्निंग मिथु जी बिल्कुल आप सब बिल्कुल सही सही बोला आपने ये सारी जो चीजें हैं हमें सुबह लेना चाहिए क्यों ये भी हमने जाना कि कैसे रात भर रात में हमारा जो फिजिकल एक्टिविटी है वो कम हो गया होता है है ना हम हमारा सोने का टाइम है हमारे जो बॉडी में शरीर में जो सारे अंग है उनका सोने का वक्त है तो इसीलिए क्या होता है जो चय की जो प्रक्रिया है उस वो मेटाबॉलिज्म जो हम बोलते हैं उसका रेट जो है वो पंद्रह प्रतिशत तक कम हो गया होता है रात में दूसरा चीज जो होता है जो हमारा मरम्मत होता है हमारे शरीर का जो अलग अलग अंग है उनकी मरम्मत होती है रात में और उस मरम्मत के दौरान बहुत सारा प्रोटीन वाइटामिन मिनरल जो गुड फैट है ये सारी चीजें उसमें इस्तेमाल होती है और इसीलिए हमारे शरीर में एक नेगेटिव प्रोटीन बैलेंस बन जाता है मतलब प्रोटीन की सुबह सबसे कम होता है तीसरा जो चीज है हमारा जो गट बैक्टीरिया हमने बताया वो भी जो हमारे जो शारीरिक घड़ी है उसके हिसाब से चलती है अगर हमने उसको ठीक से सही पैमाने पे उसको में, मेंटेन नहीं रखा तो वो ये बदल जाती है और ये रात और दिन के हिसाब से बदलती है रात में इतना ये एक्टिव नहीं रहता है जैसे हमारे अद, अलग अंग है ये भी एक तरह का हमारा शरीर का ही अंग है ये भी रात में सो जाता है और सुबह उठता है तो इसीलिए जो जो हमारा अब्जॉर्प्शन है सुबह सबसे ज्यादा होता है क्योंकि जो बैक्टीरिया है जो हमारे जो गट के जो अच्छे कीटाणुए हैं ये सुबह अच्छे अच्छे से काम कर पाते हैं और न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन में हमारी मदद करता है चौथा जो चीज है रात में हमारा जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है हमारी जो कोशिकाएं इंसुलिन की तरफ उनका जो आ, गेट अपना खोल के नहीं रखता है बंद कर देता है तो इसीलिए रात में अगर हम बहुत ज्यादा खाना खा लें तो उसका गलत प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पे लेकिन सुबह जो है ये सबसे बढ़िया काम करता है एकदम बैलेंस रूप में काम करता है जिसके कारण हमारा जो न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन है उसमें ये मदद करता है लेकिन ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारा हमारे रोजमर्रा की जो ये फाउंडेशनल न्यूट्रिएंट लेने की जो जरूरत है उसके आड़े आता है क्या है वो चीजें आपका बिजी शेड्यूल आपका जो रोजमर्रा की जो भागदौड़ की जिंदगी है हमारे सब लोगों की कि हमें बच्चों को तैयार करनी है खुद को ऑफिस के लिए रेडी होना है तो इसमें क्या होता है कि हम अपना मॉर्निंग न्यूट्रिशन ठीक से लेना नहीं ले पाते हैं बहुत लोगों का हम में से यू नो रूटीन ठीक नहीं होता है कभी भी सोता सोना कभी भी उठना एक रूटीन नहीं फॉलो कर पाते हैं जिसके कारण हम एक अम्म ये जो मॉर्निंग न्यूट्रिशन है वो सही ढंग से नहीं ले पाते हैं कन्वीनियंस भी प्रॉब्लम होता है अगर हमने सुबह हमने ठीक से नहीं लिया शायद शायद हमें दोपहर और रात में ठीक से ना मिले और रात में तो लेना भी उतना असरदायक नहीं होता है और हम भूल जाते हैं ये सबसे ज्यादा हम सब की ये भूलने की जो बीमारी है वो शायद सबका है हम भूल जाते हैं क्यों क्योंकि हमें बस आ, आ, अपनी चीज अपने रोजमर्रा के काम पे हमें ध्यान रहता है हमारे इमीडिएट नीड्स पे हमें ध्यान रहता है तो इसके कारण क्या होता है ये एक कंप्लायंस जब हम बोलते हैं ये नहीं बन पाता है एक ये हैबिट नहीं बन पाता है तो ये जरूरी है कि हम ऐसे ऐसा इसको हमारे जीवन में हर एक दिन इसका हमें ध्यान से माइंडफुली इसे हमें अपने जीवन में अपनाना है एटलीस्ट 21 दिन तक तब जाके ये एक हैबिट बन जाता है जैसे हम ब्रश करते हैं हमें बचपन से ये सिखाया गया कि रोज उठ के ब्रश करना है अभी हमें इतनी उसकी आदत लग गई है कि हम सोचते भी नहीं है सुबह सीधा जाके ब्रश करते हैं बिल्कुल उसी तरह मॉर्निंग न्यूट्रिशन भी हमारे जीवन का एक हैबिट बनना है और जब तक ये हैबिट ना बने तब तक हम हमें इसका भरपूर महत्व उसका जो है उससे जो हमें बेनिफिट मिलता है वो नहीं मिल पाता है तो इसीलिए जरूरी है ये ध्यान रखिए ध्यान पूर्वक एवरी सुबह हर सुबह उठ के आप एक पौष्टिक आहार खाए आप अपने आ, सुबह के नाश्ते में एक फाउंडेशन न्यूट्रिएंट्स जो है उसका सही आ, इस्तेमाल करें उसको इंक्लूड करें जिससे कि आपका जो मसल हेल्थ है गट हेल्थ है हार्ट हेल्थ है हृदय है आपका जो मूड है एनर्जी लेवल्स है मेटाबॉलिज्म है सारे जो इंपॉर्टेंट प्रक्रिया हमारे शरीर में हो रहे हैं उसके लिए ये एक फाउंडेशन की तरह काम करते हैं कैसे आपके फ्री uh, को कम करता है इंफ्लोमेशन को कम करता है आपके जो पॉल्यूशन से जो होने वाले जो uh, हमारे शरीर पे असर होते हैं उसको कम करता है एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है हमारे डिफेंस सिस्टम को स्ट्रांग करता है और इन चीजों के कारण हमारा बाकी जो शरीर के अंग है वो एकदम तंदुरुस्ती से काम करता है दिन भर जो भी आप काम कर रहे हैं चाहे तो ब्रश कर रहे हो या स्पोर्ट्स खेल रहे हो या आपका जो ऑफिस का काम है कर रहे हो या भाग रहे हो बस पकड़ने के लिए या ट्रेन पकड़ने के लिए तो ये सारी जो चीजें हैं आप एक खुशहाली से कर सकते हैं क्योंकि ये आपको कांस्टेंट एनर्जी देगा दिन भर तो इसी के साथ में ये एक समराइज करना चाहूंगी कि हमारा जो फाउंडेशनल बैस्केट है जो हमारा जो मूलभूत तत्व है उसका क्या है साइंस साइंस उसका कि हमें ये जो चारों चीजें हैं हमें ये अलग अलग चीजें बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है हमारे शरीर को तो इसीलिए जरूर, जरूरी है कि हम ये चारों चीजों को अपने मॉर्निंग न्यूट्रिशन में इस्तेमाल करें हमारे मॉर्निंग न्यूट्रिशन में अपनाएं जिससे कि हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं हमारे शरीर के हर एक अंग में हर एक प्रक्रिया में ये अलग अलग भूमिकाएं निभाती है जिससे कि हमारा शरीर उन्नतम एक उच्च सर्वोत्तम तरीके से काम करता है इसके साथ मैं ज्योति को पासान करना चाहूंगी जो आपको और भी चीजों के बारे में बताएंगी फाउंडेशन न्यूट्रिशन के बारे में और अच्छी जानकारी देंगी ज्योति टू यू थैंक यू सो मच अपर्णा गुड मॉर्निंग एवरी वन गड मॉर्निंग और नमस्कार आप सबका स्वागत है आज के सेशन में और मैं हूँ ज्योति मार्केटिंग टीम से और थोड़ा सा और हम आगे बात करेंगे आज की सुबह के बारे में और आज के फाउंडेशन न्यूट्रिय जो अपर्णा ने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी कि प्रोटीन मल्टीवाइटामिन ओमेगा थ्री और फाइबर ये कैसे एक फाउंडेशन न्यूट्रिय है एक बुनियाद है यू you नो know, मतलब की इसमें हमें कुछ सोचने का जरूरत नहीं है कि मेरी हेल्थ को इसका जरूरत है मेरे न्यूट्रिशन में इसका रोज का होना जरूरी है नहीं है बिल्कुल जरूरी है ये नॉन नेगोशिएबल है ये फाउंडेशन न्यूट्रिय है जो हमारे बुनियादी स्वास्थ्य को यू नो you know, उसकी नींव रखते हैं तो वहां पर यू you नो know, उसमें अपर्णा ने एक और चीज बताई कि हम ठीक है इतना अच्छी जानकारी ले रहे हैं हमारे मॉर्निंग सेशन में पर साथ ही साथ क्या हम ये सब न्यूट्रिय को भरपूर मात्रा में जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो पा पाते हैं आंसर है नहीं और बहुत सारी स्टडीज है बहुत सारी रिसर्च है जो इसका जवाब देती है चाहे मेरा बिजी स्केड्यूल हो हमें उतनी परफेक्ट जानकारी कई बार नहीं होती कि कौन से खाने से हमें कितनी मात्रा में मिल रहा है तो हम शायद अच्छा सब जानते हुए भी और अपने लिए अच्छा करते हुए भी वो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को हो सकता है अपने रोजाना के स्केड्यूल से डाइट से मिस कर रहे हो और तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो पर्णा ने बताई की अफकोर्स न्यूट्रिशन का हमारा दिन भर में ध्यान देना बहुत जरूरी है अब कैसे सुबह का टाइम जो ओवरनाइट स्केड्यूल होता है कैसे हमारे प्रोटीन लेवल्स डिप होते हैं हमारा मेटाबॉलिज्म को एक एक स्टार्ट की जरूरत होती है तो सुबह का समय एक सर्वोपरि एक बेस्ट समय है जहां पर हम अपने न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान दें और वहां पर कैसे हम एक बहुत ही कन्वीनियंट क्वालिटी और सेफली एक तरीका जो अपना सकते हैं वो है अफकोर्स हमारे न्यूट्रोलाइट के इससे जो रेलिवेंट जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है जिसको बहुत ही साइंटिफिकली यू नो सोच करके कि कैसे सुबह का समय एक सबसे बेस्ट है कौन से बुनियादी न्यूट्रिएंट्स हैं जो हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम रोज की अपनी डाइट में उन सबको मिस कर रहे हैं तो वो है हमारा चार इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन पीडीओ प्रोटीन डेली फाइबर और ओमेगा तो हमारे मॉर्निंग न्यूट्रिशन के बास्केट जब लॉन्च होते हैं तो ऑफ कोर्स आप देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण और जो पहला बास्केट है जो आपकी बुनियादी स्वास्थ्य को आपके ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करता है वो है पीडीओएफ जो आप स्क्रीन पर भी इस समय देख पा रहे हैं जिसमें वन के जी ऑल प्लांट प्रोटीन रहेगा डेली प्लस जो एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है हम थोड़ा सा और जानेंगे इसके बारे में आगे की स्लाइड में वो है थर्टी टेबलेट पैक जो पूरी मंथ की रिक्वायरमेंट को टेक केयर करता है सालमन ओमेगा है एन पैक एंड न्यूट्रलाइट फाइबर यहाँ पर हमने थोड़ा सा और आपके और आपके कस्टमर्स की प्रेफरेंसेज यू नो वो यहाँ पर क्या फ्लेक्सिबिलिटी मांग सकते हैं क्या ऑप्शन बोल सकते हैं कोई डाइटरी प्रेफरेंस किसी की हो सकती है तो दो पॉसिबल जो और ऑप्शन हो सकते हैं उसको और प्रमोट करने के लिए वो है पीडीओ या पीडीएफ तो वो भी हमने उसको ध्यान में रखते हुए उसमें शामिल किया है तो तीन बास्केट बेसिकली फाउंडेशन सॉल्यूशन में रहेंगी अवेलेबल जो पहला सबसे कोर है पीडीओएफ अफकोर्स हम सजेस्ट करते हैं अपने ओवरऑल न्यूट्रिशन का ध्यान रखने के लिए आप उसको सम्मिलित करें अपने रोजाना के डाइट में बट हाँ अगर किसी की पर्टिकुलर कोई डाइट प्रेफरेंसेज है और इस समय एक पर्टिकुलर वो सपोर्ट चाह रहे हैं तो पीडीओ एक उसका ही वर्जन और एक पीडीएफ ये दो ऑप्शन भी मौजूद रहेंगे तो यहाँ पर हम थोड़ा सा और आगे बात करते हैं प्रोटीन अपना नेक्स्ट और यू वॉन्ट मी टू शेयर थैंक यू तो ऑल प्लांट हाँ। तो प्रोटीन के बारे में तो अब हम थोड़ा सा और बात करेंगे इन प्रोडक्ट्स के बारे में एंड प्रोटीन के बारे में आजकल अगर आप लोगों ने भी कुछ ज्यादा सुना हो यू you नो know, आर्टिकल्स के माध्यम से एंड रिपोर्ट्स के माध्यम से और जो बहुत अच्छा है कि अगर यू नो इस तरह की जब चीजें आती है तो हम ये जान पाते हैं कि एक बेहतर प्रोटीन में एक क्वालिटी प्रोटीन में एक कंप्लीट प्रोटीन में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए राइट तो सबसे पहले यह पाया गया जो प्रोटीन है वो एक कंप्लीट प्रोटीन होना चाहिए उसी में किसी तरह के हार्मफुल कोई एडिटिव नहीं होने चाहिए जैसे कोई आर्टिफिशियल कलर डाला है फ्लेवर डाला है प्रिजर्वेटिव डाला है चीनी डाला है या किसी तरह का कृत्रिम चीनी का सोर्स आर्टिफिशियल स्वीटनर जिसको कहा जाता है नॉर्मली लो कैलोरी जो ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं वो डाले हैं तो बिल्कुल हमारा ऑल प्लांट प्रोटीन वो सारे मार्क्स को अनचेक करता है ये केवल एक प्योर प्लांट बेस्ड प्रोटीन है जिसमें आप प्रोटीन खरीदते हैं और आप प्रोटीन ही पाते हैं किसी तरीके का आर्टिफिशियल कलर फ्लेवर प्रिजर्वेटिव शुगर और किसी भी हार्मफुल अगर आप इंग्रेडिएंट का बात करें पेस्टिसाइड एफ्लाटॉक्सिन इस तरीके का कोई हार्मफुल पदार्थ नहीं पाया जाता है ये केवल प्रोटीन है और वो भी सौ प्रतिशत हंड्रेड परसेंट प्लांट बेस्ड प्रोटीन है इसमें और एक इम्पोर्टेंट चीज हमने जो जानी जो आजकल बहुत पॉपुलर हो रही है और बहुत इंपॉर्टेंट हम सबके लिए जानना कि प्रोटीन तो ठीक है बहुत सब बात करते हैं बहुत कुछ मार्केट में भी मिलता है प्रोटीन से लेके बट कंप्लीट प्रोटीन क्या होता है या हाई क्वालिटी प्रोटीन क्या होता है तो प्रोटीन आई एम श्योर आपने और बाकी सेशन से भी जाना की बेसिकली एक जो स्ट्रक्चर है वो ट्वेंटी अमाइनो एसिड्स को मिला बनता है कंप्लीट प्रोटीन का स्ट्रक्चर है और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी हर्ष होगा कि हमारा जो ऑल प्लांट प्रोटीन है को करते हैं, वो बॉडी uh, हमारी खुद से प्रोड्यूस नहीं कर पाती है और हमें डाइट के माध्यम से ही पाना होता है और जो भी प्रोटीन uh, का सोर्स जैसे कि मिल्क है एक प्रोटीन का सोर्स जो सारे हमें असेंशियलो एसिड नाइन असेंशियलोस प्रदान करता है उसको आप कंप्लीट प्रोटीन बोलते हो या हाई क्वालिटी प्रोटीन बोलते हो और ऑल प्लांट प्रोटीन भी हाई क्वालिटी प्रोटीन है तो सर्टेनली हमारी यू नो नॉलेज को बढ़ाने के लिए कि हम जब प्रोटीन के बारे में जानते हैं समझते हैं उसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए तो ऑफकोर्स ये सारे मापदंड ऑल प्लांट प्रोटीन मैच करता है हर 10 ग्राम के स्कूप में आप 8 ग्राम प्रोटीन पाते हैं एक कंप्लीट प्रोटीन है जिसमें सारे के सारे 20 अमाइनो एसिड्स तो हैं ही जिसमें से नौ एसेंशियल हैं जो इसमें पाए जाते हैं आप बहुत सारी रेसिपीज भी देख रहे होंगे तो यहाँ पर प्रोटीन यू नो ये जो हमारा है ऑल प्लांट प्रोटीन ये न्यूट्रल इन टेस्ट है तो किसी भी तरीके की रेसिपी हो कोई बेवरेज हम बना रहे हैं गर्मियों का समय है इतना सारा हम रेसिपीज देख रहे हैं अराउंड छाछ मैंगो ड्रिंक बनाना ड्रिंक फ्रूट बेस आपको स्मूदी बना रहे हैं उसमें ईजिली इसको आप मिक्स कर सकते हैं मतलब बहुत ही आसान और क्वालिटी बेस्ड तरीका है कि कैसे मैं अपनी रोजाना की प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट uh, है उसको हम बहुत इजीली मीट कर सकते हैं न्यूट्रलाइज ऑल प्लांट प्रोटीन

तो वहां से हम रिलेट कर सकते हैं कि हमारा जो पूरा सिस्टम हम चाहे जितनी भी जानकारी ले रहे हैं कि अच्छा खाएं बेस्ट न्यूट्रिशन अपना डाइट में शामिल करें पर आगे जाके अगर वो हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो अच्छा नहीं हो रहा है उसे न्यूट्रेन बराबर से रिलीज नहीं हो रहे एब्जॉर्ब नहीं हो रहे बॉडी में तो वो हमारा इम्यूनिटी मूड हेल्थ एंड डाइजेशन ऑफ ऑफकोर्स वो सब कुछ बैडली इम्पैक्ट करता है तो जरूर ध्यान दें अपनी फाइबर के हमारे न्यूट्रल फाइबर के माध्यम से जो कम्पलीटली सोल्यूबल डाइटरी फाइबर है अगेन ये भी एक प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है जिसको बहुत ही आसानी से स्कूप आप किसी भी आ, बेवरेज में जूस में पानी में तो एड कर ही सकते हैं उसमें एड करके अपना रोज का फाइबर की रिक्वायरमेंट को तो बहुत ईजीली मीट कर सकते नेक्स्ट ना तीसरा हमारा महत्वपूर्ण और बहुत ही रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है यू नो मल्टी वाइटमिन सब जानते हैं सब बात करते हैं बहुत पॉपुलर डोमेन है बहुत, बहुत सारी ऑप्शन भी है पर डेली प्लस आई एम श्योर sure हमने इसके बारे में लास्ट सितंबर में भी बात किया था जब हमने लॉन्च किया था एक बायर प्रोडक्ट है तो साइंस वाइज इसको बहुत ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस बनाया गया है आपकी बॉडी की अगेन रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए कि पर्टिकुलर चौबीस न्यूट्रिय हमने इसमें डाले हैं चौबीस वाइटमिन और मिनरल्स पर उनका एब्जॉर्बन का बॉडी में स्थान क्या है किस समय पर वो रिलीज होने चाहिए वो पूरी साइंस हमने यहाँ अप्लाई की और एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया है जो कि इंस्टेंट और एक्सटेंडेड रिलीज के कॉम्बिनेशन के साथ आता है ताकि आपकी बॉडी को मैक्सिमम बेनिफिट इन न्यूट्रिएंट्स के इन वाइटामिन मिनरल्स के मिल सके तो इस प्रोडक्ट में 24 वाइटमिन और मिनरल्स है बहुत ही अच्छी मात्रा में जो आपके डेली आरडीए का ध्यान रखते हैं जो हमारी रोजमर्रा की रिक्वायरमेंट है उसको हम मीट कर पाए साथ ही साथ इसमें बहुत सारी प्लांट बेस्ड गुडनेस है हाँ और इसमें एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट हम बात करते हैं गोटोकुला जो हमारा डेली स्ट्रेस को मैनेज करने में बहुत मददगार है और साथ ही साथ है कॉम्बिनेशन ऑफ एस एंटी ऑक्सीडेंट और फाइटो न्यूट्रिय uh, प्रदान करता है और ये सारे इंग्रीडियंट हमारे और और uh, प्रोक्योर किए गए और चौथा बट नॉट टू बी आई थिंक ओमेगा थ्री एक सबसे अंडर रेटेड न्यूट्रिय है बट साथ ही साथ ये एक सुपर फूड है और हम बहुत ही शुक्रगुजार है you know, और के से हम इतना शायद हम अपनी जनरल नॉलेज में या इतने हमने आसपास की इन्फॉर्मेशन से इतना ना जान पाते मल्टीवाइटमिन और प्रोटीन का फिर भी बात होता है पर ओमेगा थ्री बहुत ही अंडर है नॉर्मली लोग इसका बात नहीं करते बट ये सुपर फूड है ये एक तरीके का ऐसा और यू you नो know, जो हमारा हार्ट हेल्थ के साथ साथ ब्रेन हेल्थ और ज्वाइंट विजन हेल्थ और तो और मतलब बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं बहुत सारे हमें ये आ, फायदे प्रदान करता है बट साथ ही साथ एक आयरनी ये है ये हमारे डाइट से पूरी तरह मिसिंग है क्योंकि ये बहुत ही विटामिन डी की तरह बहुत ही लिमिटेड सोर्सेज में पाया जाता है फिश है अच्छा सोर्स पर वो भी कुछ तरह की फिशेज नॉट ऑल द फिशेज तो अगर आप कुछ पर्टिकुलर फिशेज कंज्यूम कर रहे हैं तो शायद हो सकता है आपको मेगा थ्री की मात्रा मिल रही हो वरना वेजिटेरियन में बहुत लिमिटेड सोर्स है लाइक वॉलनट फ्लैक्स चिया सीड्स और वहां पर भी यू you नो know, वो ए एल ए का स्रोत है ना कि डीएचए और ईपीए का तो हम शौर हम अपने और डिटेल सेशन के माध्यम से जानेंगे कि कैसे डीएचए और ईपीए हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं हमारा ब्रेन हेल्थ हार्ट हेल्थ विजन और जॉइंट को भी साथ ही साथ सपोर्ट करने के लिए साथ ही साथ जो हम इतना जंग यू you नो know, हम चाहे या ना चाहे एक तेल की मात्रा तो शामिल होती है हमारे दिन भर के खाने में और तड़के में और किस तरीके से तो कैसे जब वो बॉडी में अनहेल्दी फैट का जो यू नो लेवल बढ़ता है उसको मैनेज करने में भी मदद करता है ओमेगा थ्री तो बिल्कुल सुपर फूड है ये खाने से हमारे बिल्कुल मिसिंग है ड्यू टू द दी चौसेज एंड हैव तो सर्टेनली सैलमन ओमेगा थ्री सॉफ्टवेयर एक बहुत ही आसान और अगेन हाई क्वालिटी माध्यम है इसको अपना डेली डाइट में शामिल करने का तो नेट नेट ये फाउंडेशन बाट्स में ये चारों प्रोडक्ट्स का uh, सम्मिलित रहेंगे जिसको आप uh, ले सकते हैं और अपना डेली स्वास्थ्य जो बुनियादी स्वास्थ्य है उसको सपोर्ट कर पाएंगे एंड आगे की इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए अगेन मैं पड़ना को इनवाइट करना चाहूंगी तो ओवर टू यू पड़ना थैंक यू सो मच धन्यवाद ज्योति जी जो हमारी जो एक सीनियर मार्केटिंग मेंबर है उन्होंने आपको बहुत अच्छे अच्छे जानकारियां दी हमारे फाउंडेशनल न्यूट्रिएंट्स के बारे में तो अभी वापस आते हैं हमारे उसी फर्स्ट स्लाइड में जो कि हमारा फिलॉसफी है वो क्या हमें याद रखना है कि हमारे गट का इंपॉर्टेंस उसको रीसेट करें डूस एंड डोंट्स जो हमने बताए जो आपको करने चाहिए जो आपको नहीं करने चाहिए वो सारी चीजें आपको याद रखनी है हमारे गट को रीसेट करना है वो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है आज के सेशन का दूसरा जो है हमारे खाने में ज्यादा से ज्यादा होल फूड्स जो है उसका इस्तेमाल करें जो संपूर्ण आहार हम जिसे बोलते हैं उसका इस्तेमाल करें ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लें ये है दूसरा इंपॉर्टेंट आधार स्तंभ तीसरा जो है अगर हमारे खाने में इसकी कमी हो जाती है माइक्रो तो हमें ये सप्लीमेंट करना चाहिए अपने डाइट में और इसे रोज याद रखना है एक हैबिट बनाना है कि हमारे मॉर्निंग न्यूट्रिशन में इसका सम्मिलित होना कितना जरूरी है तो ये याद रखें कि आप सुबह घर से निकलने से पहले इन चीजों का ध्यान रखें कि आप अपने मॉर्निंग न्यूट्रिशन को इन फाउंडेशनल न्यूट्रिएंट्स के से उसको एनरिच करें उसको अपने रोज के ब्रेकफास्ट में उसका जरूर इस्तेमाल करें ये है आज का टेकअवे ये है आज का जो शीर्षक है वो आज के सत्र का यही तीन पॉइंट है तो इसके आगे हम ये जानते हैं एक हैबिट एक अच्छे हैबिट के बारे में हमने बताया आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है आपको अच्छा सोचना है तो उसमें कौन क्या मदद करता है ये जो डीप ब्रीदिंग है आपको स्ट्रेस रिलीफ देता है डीप ब्रीदिंग जो प्राणायाम बोलते हैं गहरी गहरा सांस लेने की जो प्रक्रिया है हमें ये रोज सुबह करने से बहुत अच्छा है अगर टाइम नहीं है तो कभी भी दिन में ये कर सकते हैं पूरे भरे हुए पेट के साथ नहीं लेकिन इसके लिए हमारा पेट खाली होना चाहिए तभी इसका हमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलता है तो ये जो है हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है हमारे पूरे शरीर को आ, एक शारीरिक और मेंटल हेल्थ दोनों को ये इंप्रूव करता है उसके बहुत सारे तरीके हैं उससे पहले क्या करना है डीप ब्रीथिंग करने से पहले एक हमें शांत जगह हमें अपने घर में अः फाइंड करना है आ, एक शांत जगह पे हमें बैठना है एक सिटिंग पोजिशन में बैठना है कंफर्टेबल सिटिंग पोजिशन में बैठना है और हमें ये आंखें बंद करके करनी चाहिए क्योंकि हमें हमारा पूरा ध्यान एकाग्रित होना चाहिए इसके अलग अलग तरीके भी हैं डीप बेली ब्रीथिंग मतलब आप इतना गहरी सांस लेके वो आपके नाभि तक पहुंचे और उसी तरह से पूरा सांस बाहर छोड़ना भी चाहिए दूसरा जो है उसी तरह से ये प्रक्रिया आपको एटलीस्ट दस मिनट तक अगर आप कर सके धीरे धीरे आप बढ़ा सके तो ये आपको बहुत मददगार साबित होगा दूसरा जो है हम बोलते हैं हमारे जो फेफड़े हैं उसके नीचे एक मसल होता है जो हमारा जो आ, आ, जो फेफड़ों के नीचे के जो अंग है उसको फेफड़ों से अलग रखता है और हमें ऐसा सांस लेना चाहिए कि वो फेफड़े फुलें तो उसी को दोहराना चाहिए हमें बार बार एक हाथ हमारे चेस्ट पे रखें और दूसरा हमारे नाभि के पास रखें और इसके साथ ही आंखें बंद करके हमें ये एक्सरसाइज कर सकते हैं तीसरा जो है हमें गहरी सांस लेके हम काउंट कर सकते हैं एक से दस तक मतलब ये धीरे धीरे से आप बढ़ा सकते हैं पहले शायद आप एक या दो करें ऐसे करते करते आप अपना काउंट अंदर खींच के दस काउंट तक आप गिन सकते हैं और बाहर छोड़ के आप दस काउंट तक अपने मन में काउंट कर सकते हैं तो ये प्रक्रिया आप बार बार कर सकते हैं लेकिन ये याद रखिए कि अगर आपने ये कभी नहीं किया ये धीरे धीरे करें और एक एक्सपर्ट के हेल्प से करें कि ताकि आपको इसका भरपूर बेनिफिट मिल सके और ये आप सही तरीके से कर सके तो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं ये जैसे मैंने बताया शारीरिक और मानसिक जो हमारा स्वास्थ्य है उसको तंदुरुस्त रखने में ये बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है हमारे स्ट्रेस को कम करता है हमारा जो फोकस और कंसंट्रेशन है उसको बढ़ाता है हमारा जो फेफड़ों की जो फंक्शन है जो सांस लेने की प्रक्रिया है उससे क्या होता है उस, वो हमारा आ, क्या होता है जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर आता है और ये जो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस है उससे क्या होता है कि हमारे शरीर को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है ज्यादा से ज्यादा उसको अंदर खींच पाता है अपना जो कोशिकाएं हैं हमारा इमोशन रेगुलेशन होता है मतलब हमारा जो मूड है वो सही रहता है ये आप देख सकते हैं ये मैंने देखा है कि जब भी हम डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कंटिन्यूसली करें रेगुलरली करें इससे हमारा जो मूड है वो सही रहता है हम अच्छे सो पाते हैं हमारे अच्छी नींद आती है तो इसी के साथ आप रोज शाइन कीजिए ये सारी चीजों को याद रखते हुए एक ऑप्टिमिस्टिक होके, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप अपना दिन की शुरुआत कीजिए आप अच्छा न्यूट्रिशन लें, जैसे मैंने बताया आपका जो फाउंडेशन है आधार है नींव है उसको मजबूत बनाएं आप सही सोचे सही गोल बनाए सही इंटेंशंस रखें रोज आप अपने खाने को जैसे कि एक प्लान तरीके से कर सकते हैं ताकि आप लास्ट मोमेंट में कुछ भी जो आपको मिले वो ना खा पाए अनाब शनाब ना खा पाए जंक ना खा पाए इसलिए आप ये भी गोल कर रख सकते हैं कि आप वीकली आपको क्या क्या खा सकते हैं जिससे आपको न्यूट्रिशियस खाना मिले आप एक कुछ नया सीखें जैसे आप किसी को पढ़ने की आदत होती है किसी को शायद नृत्य का शौक है या किसी को म्यूजिक का शौक है ये रोज कुछ ना कुछ नया सीखे इससे आपका तन, आपका जो मस्तिष्क है वो तंदुरुस्त रहता है एक्सरसाइज करे रोज इसका भी हमने महत्व जाना तो इसी के साथ हम आते हैं आज के रेसिपी ऑफ द डे तो ये रेसिपीज आपका जो रोजमर्रा का जो न्यूट्रिशन है उसको ये और भी न्यूट्रिशियस बना देता है सप्लीमेंट्स uh, के uh, डालने से एपीपी डालने से फाइबर के डालने से ये रेसिपीज और भी पौष्टिक हो जाते हैं तो चलिए जानते हैं आज का रेसिपी जब कुछ ना समझ आए तो ट्राई करो ये हाँ। ये है दूसरा रेसिपी सिर्फ आपके लिए हाई प्रोटीन बाजरा खिचड़ी बाजरा मूंग दाल एंड राइस को रिंस करके स्ट्रेन कर लो एक कुकर में घी जीरा हींग हरी मिर्च एंड अदरक का तड़का लगाओ धुले हुए बाजरा दाल एंड चावल डालो सम एक्स्ट्रा वॉटर इन इट सॉल्ट से सीजन करो एक विसल के लिए प्रेशर कुक करो एंड 15 मिनट्स के लिए लो हीट पे पका लो पकी हुई खिचड़ी में न्यूट्रलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर डालो अलोंग विद न्यूट्रलाइट फाइबर अच्छे से मिक्स करो एंड गरम-गरम सर्व करो और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे अच्छे तंदुरुस्त रेसिपीज के बाद एक्सरसाइज की ओर मीनल के साथ A very happy good morning everyone. How's everyone doing? और आज हम सीखने वाले हैं lower body strengthening workout. और जब हम lower body strengthening workout की बात करते हैं, the name which pops out is squats. तो आज हम सीखने वाले हैं right way of doing squats और इसका एक modified version भी. So let's get started. So let's get started with the basic format of a squat. तो इसके लिए आप athletic position में खड़े हो जाएंगे, जिसका मतलब कि your legs will be not too far. एंड नॉट टू क्लोज मे भी आपके घुटने और आपके टोज अलाइन रहेंगे आपके हिप्स के साथ दिस इज द बेसिक फॉर्मेट ऑफ स्कॉट अब सेकेंड पॉइंट जिसका आपको ध्यान रखना है कि आपके जो नीज है वो आगे की तरफ या बाहर की तरफ नहीं आएंगे जब आप स्कॉट पोजिशन में जाएंगे रेदर जो आपके नीज है वो मोबाइल पोजिशन में रहेंगे सॉफ्ट पोजिशन में रहेंगे लेकिन आप पीछे की तरफ बैठेंगे जस्ट द वे यू सिट ऑन अ चेयर लेट मी शो इट फ्रॉम द साइड मतलब आपकी फीट, एंड हिप्स एक लाइन में रहेंगे कोर को एंगेज करते हुए आगे की तरफ पुश ना करते हुए आप नीचे की तरफ बैठेंगे और ऊपर आएंगे आप नीचे की तरफ बैठेंगे और ऊपर आएंगे और आप जब नीचे जाएंगे तो कोशिश करेंगे एटलीस्ट पार्लर टू द फ्लोर तो हम होंगे ही अगर आपको ऐसा लगता है कि इस मूव को करते हुए आप बहुत आगे बेंड हो जा रहे हैं या आपके नीज बहुत आगे जा रहे हैं तो आप अपने हाथों को ऊपर कर लीजिए सिर्फ यहां पर ऊपर कर लीजिए कोर को टाइट करते हुए सिर्फ बेसिक फॉर्मेट में नीचे और ऊपर थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन

सिंपल सो so, ये था एक बेसिक फॉर्मेट स्कॉट्स करने का अगर आपको इस तरह से स्कॉट्स करने में नीज पे प्रेशर आता है तो देर इज अ फॉर्मेट विच इज अट जिसमें हम आपके कॉर्ड्स के साथ साथ आपकी इनर था और ग्लूट्स को भी एंगेज करते हैं तो आपके नीज पे जो प्रेशर बहुत ज्यादा आ रहा होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो इसके लिए आप अपने पंजों को बाहर की तरफ खोल देंगे आपकी हील्स आपके नीज सब बाहर की तरफ पॉइंटेड रहेंगे नाभि को अंदर की तरफ खींचेंगे और जिस फॉर्मेट में अभी हम नीचे गए थे ना उसी तरह से उसी फॉर्मेट में हम नीचे जाएंगे like this, tied, नीचे एंड अप अब मूवमेंट वही है लेकिन आपके नीज से प्रेशर थोड़ा कम हो गया है. So, सो आप इस फॉर्मेट को एक चेयर रख के भी कर सकते हैं सो यू हैव अ चेयर राइट हियर अपने हाथों को ऊपर खींच लीजिए Or simple one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, and twelve. तो ये ऐसा एक मूव है जिसमें आप स्कॉट्स भी करते हैं आपके मसल्स भी इंगेज होते हैं आपकी मसल स्ट्रेंथन भी होते हैं लेकिन आपके नीज पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आता है लेकिन अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि सुमो स्कॉट्स भी आपके नीज़ को थोड़ा या नीज़ के अराउंड जितने भी मसल्स हैं उनको थोड़ा इरीटेट कर रहे हैं तो आप सिंपल अपने दोनों की दोनों लेग्स को साथ में जोड़ेंगे फॉर्मेट so जिसमें आपकी नीज की मसल्स को ना आस पास की मसल्स का बहुत ज्यादा सपोर्ट है आप उतना नीचे जाएंगे जितना आप कंफर्टेबली जा सकते हैं और वापिस ऊपर आ जाएंगे सो so कोर को टाइट करके रखेंगे सो so आपके फीट आपके नीज आपके हिप्स सब एक साथ अलाइंड है कोर को टाइट करते हुए आप सिर्फ उतना नीचे जाएंगे जितना आप जा सकते हैं और वापिस ऊपर आ जाएंगे चाहे वो रेंज इतना ही हो चाहे वो रेंज इतना हो और फिर वापस इस फॉर्मेट में आपके नीज पे बहुत कम प्रेशर आएगा इनफैक्ट आप ऊपर और नीचे बहुत ज्यादा कोर पावर से भी आ रहे हैं सो यू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ कोर स्ट्रेंथ इन डूइंग द बिकॉज हम बहुत सारा प्रेशर नीज पे ही डाल देते हैं एंड वी फॉरगेट कि इसमें ऊपर आते वक्त बहुत बड़ा रोल हमारे कोर स्ट्रेंथ का है तो ब्रीदिंग पार्टर इन स्कॉट्स इज प्रिपेयर करते हुए आप इनहेल करेंगे और मूवमेंट करते हुए आप इजेल करेंगे मतलब इनहेल and as you go down exhale and back तो so, ये थे हमारे स्कॉट्स का बेसिक वर्जन मॉडिफाइड वर्जन एंडस्ट वर्जन आई रियली होप कि आपको आज स्कॉर्स करने का परफेक्ट वे समझ आ गया होगा और आप अब इसको अपने डेली रूटीन में ऐड करेंगे बिकॉज स्कॉक जैसी जो एक मूवमेंट है ना वो वैसे भी हमारे डेली शेड्यूल का पार्ट होती है जब हम नॉर्मली झुक किसी भी चीज को उठाते हैं चाहे वो हमारा फ्रिज हो चाहे हमारे लोअर ड्रॉज हो तो हम उसको अगर स्कॉट की पोजीशन में प्रैक्टिस करेंगे ना तो हमारा वर्कआउट तो अच्छा होगा ही इनफैक्ट हमारा जो नीट है वो भी बेटर हो जाएगा सो कीप रॉकिंग एंड कीप वर्किंग आउट तो आशा करती हूं कि आपने इसका भरपूर फायदा उठाया होगा जो कर सकते थे वो आपने एक्सरसाइज किया होगा आप अपने ये जो रेसिपीज है अपने मॉर्निंग uh, न्यूट्रिशन में जरूर ट्राई कीजिएगा और इसी के साथ आज का मैं ये सत्र समाप्त करती हूं और आज से uh, कल फिर मिलेंगे आप सब से डे थर्टीन के साथ तेरहवें दिन के साथ जहां पे हम बात करेंगे मॉर्निंग न्यूट्रिशन और वेट मैनेजमेंट के बारे में सो so स्टेट्यून्ड आपका दिन शुभमय हो नमस्कार